Hello, students, welcome to my class. Today, in this video, we are going to discuss few MCQ on polynomials for class 10th. Let us start. First question: diya hai, 1 0 of a quadratic polynomial is 2. then value of k is आपको पता है कि polynomials क्या होते हैं x cube थ्री एक्स स्क्वायर सेवन एक्स प्लस नाइन यानी एक्स की डिफरेंट पावर्स में ये दिए होते हैं और ये जो एक्स की पावर है अगर हम इसको इस तरह से लिखें ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यू एंड सो ऑन कितनी भी पावर हो सकती है लेकिन ये जो पावर है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ पॉली तो एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इफ एन इज़ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर एन ए जीरो ए वन ए टू ये सब रियल नंबर्स होना चाहिए कहने का मतलब ये है कि इसके जो कोफिशेंट्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे और इनकी जो पावर्स होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स जीरो वन टू थ्री फोर अगर ये सब कुछ दिया है तो ये पॉलिनोमियल होगा अगर कहीं पर मान लीजिए एक्स पावर हाफ है थ्री बाई टू है जैसे मान लो ये लिखा हो ए एक्स पावर थ्री बाई टू बी एक्स प्लस सी क्या ये पॉलीनोमियल है नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि x की पावर यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो एक तो चीज़ हमें ये याद रखना है कि पॉलीनोमियल क्या होता है अब जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल का मतलब होता है कि अगर टू इसका जीरो है इसका मतलब इफ़ वी सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल टू टू इन दिस पॉलीनोमियल द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल बिकम्स जीरो माने एफ एक्स इक्वल टू अगर पॉलिनोमियल आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के एक्स इक्वल टू टू रख दीजिए तो टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू प्लस के चूंकि टू इसका जीरो है तो दिस इज इक्वल टू जीरो सो फोर प्लस सिक्स प्लस के इक्वल टू जीरो तो के इक्वल टू कितना आ गया माइनस टेन दैट इज आंसर इज बी सेकेंड क्वेश्चन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा डिग्री का मतलब अपने पड़ा है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए एक्स पावर फाइव प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन डिग्री कितनी होगी फाइव क्योंकि एक्स की पावर फाइव है थ्री एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सेवन डिग्री कितनी होगी वन क्योंकि एक्स की पावर वन है इसको क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियर मान लीजिए इस तरह का है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स की हाईएस्ट पावर टू है इसलिए डिग्री इसकी हो जाएगी टू और इसको क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थ्री एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर थ्री है तो डिग्री कितनी हो जाएगी थ्री तो इस तरह से डिग्री मीन्स हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स अब इसको ओपन करना पड़ेगा आप ओरली कर लीजिए क्योंकि मल्टीपल चॉइस टाइप है ज़्यादा टाइम नहीं लगाना एक्स से मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा एक्स स्क्वायर आएगा पावर फाइव आएगा पावर फाइव ही हाईएस्ट पावर है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी फाइव यानी आंसर इज डी नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में वन ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नेगेटिव वन ऑफ द जीरो ऑफ़ द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसमें इसका एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है ये कैसे पॉसिबल है मान लीजिए अगर इसका जीरो एक थ्री है तो दूसरा माइनस थ्री होगा तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर नाइन ना आएगा मान लीजिए एक जीरो रूट टू है और दूसरा प्लस रूट टू है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू आएगा यानी इस तरह के फंक्शन आएंगे इसमें क्या होगा लीनियर नहीं होगा और सी नेगेटिव होना चाहिए आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस टू यानी सी जो कांस्टेंट है वो नेगेटिव है और लीनियर टर्म ये नहीं होगा तभी एक जीरो दूसरे का नेगेटिव होगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक पॉलीनोमियल है तो इसके जीरोस कितने होंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक पॉलीनोमियल है तो एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू माइनस टू होंगे क्योंकि टू रखने पर भी ये जीरो हो रहा है और माइनस टू रखने पर भी जीरो हो रहा है तो इसके जीरोस कितने गए टू एंड माइनस टू तो ये कब पॉसिबल हुआ एक्स स्क्वायर माइनस फोर में आप देख रहे हैं लीनियर टर्म नहीं है तो आंसर क्या होगा हैज नो लीनियर टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस फोर में भी देखा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री में नाइन में देखा ये कॉन्स्टेंट टर्म नेगेटिव होता है सो आंसर इज ए फोर्थ है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोम हुज ग्राफ इज मैंने आपको आपने पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का होता है इसकी हाईएस्ट पावर टू होती है इसलिए डिग्री टू है इसके ग्राफ क्या होता है ग्राफ इस तरह से होते हैं इनको क्या बोलते हैं पैरा ये एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट भी कर सकता है और टच भी कर सकता है और इंटरसेक्ट नहीं भी कर सकता है तो ये जो है इसकी डिग्री टू है हाईएस्ट डिग्री टू है डिग्री इसकी टू है और ये एक्स एक्सेस को पॉइंट टू पर इंटरसेक्ट करता है और डिग्री टू है तो इसी तरह से जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ कितने जीरो होंगे जितने जगह ये इंटरसेक्ट करेगा इट इज इंटरसेक्टिंग एट थ्री प्लेसेस सो इट्स जीरोज आर थ्री आंसर इज सी फिफ्थ है ग्राफ ऑफ स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अपवर्ड पैराबोला ये अपवर्ड पैराबोला है ये डाउनवर्ड पैराबोला है ये अपवर्ड पैराबोला है ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो ग्राफ अगर अपवर्ड पैराबोला है ये तभी पॉसिबल है जब ए पॉजिटिव हो डाउनवर्ड है तो ए नेगेटिव होगा इसमें ए पॉजिटिव होगा और इसमें नेगेटिव होगा तो आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर सिक्स द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज माइनस टू एंड फाइव हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज ओनली टू होते हैं और इसके जीरोज टू हैं इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अगर आप इसको पॉलिनोमियल को निकालें तो ये आएगी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन हालांकि इसको निकालने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में तो एक ये पॉलिनोमियल आ गई जिसके जीरोज हैं माइनस टू एंड फाइव अगर इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगी टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी इसके भी जीरोज माइनस टू एंड फाइव होंगे इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स इक्ल टू थर्टी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस फोर्टी एंड सो ऑन आप देखेंगे सभी के जीरोस माइनस टू एंड फाइव आएंगे और ऐसी कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं इन्फाइट सो आंसर इज डी क्वेश्चन नंबर सेवेंथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर रूट टू एंड थ्री तो पॉलिनोमियल निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि तो ये होती है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल आर रूट टू एंड वन अपॉन थ्री रिस्पेक्टिवली आंसर से ही दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की होती है सम ऑफ द जीरोज इसके होते हैं माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं सी अपॉन ए इस क्वेश्चन में सम ऑफ द जीरोज दिया है रूट टू तो वी अपॉन एक्ल टू माइनस बी अपॉन एक्ल टू रूट टू तो बी अपॉन एक्ल टू माइनस रूट टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया है सी अपॉन ए और क्वेश्चन में दिया है वन अपॉन थ्री इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा क्योंकि एक ही वैल्यू निकालनी है तो यहाँ थ्री है तो यहाँ डिनोमिनेटर थ्री कर दीजिए थ्री से मल्टीप्लाई एंड थ्री से डिवाइड कंपेयर करेंगे तो इक्वल टू थ्री दोनों में बी इक्वल टू कितना आएगा माइनस थ्री रूट टू और सी तो आ जाएगा वन इसमें रख दीजिए तो ये पॉलिनॉमिल आ जाएगा ए की जगह कितना रखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर बी की जगह कितना रखना है माइनस थ्री रूट टू एक्स सी की जगह वन थ्री रूट टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर एर्थ एर्थ क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दिया है एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इसको डिवाइड करना है थ्री एक्स प्लस फाइव न्यूमरेटर एंड डिनिटर तो डिग्री ऑफ कोशियंट डिग्री ऑफ कोशियंट क्या होगी डिग्री ऑफ कोशियंट होगी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर दैट इज फोर माइनस डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज वन एंड डिग्री ऑफ रिमाइंडर ये याद रख लीजिए किसी भी क्वेश्चन में ये काम आएगा डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनिनेटर डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है वन है और इससे कम कितनी आएगी जीरो तो थ्री एंड जीरो आंसर इज ए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ग्राफ ऑफ ए क्वारेटिक इक्वेश पॉलिनोमियल क्वारेटिक पॉलिनोमियल का कौन सा ग्राफ नहीं है तो आप देख रहे हैं क्वारेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला तो ये तीनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं क्योंकि ये या डाउनवर्ड पैराबोला है लेकिन ये पैराबोला का ग्राफ नहीं है तो आंसर इज डी ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस बट इंटरसेक्ट बाई एक्सिस वन पॉइंट जीरोज आर कोई भी पॉलिनोमियल है एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसके जीरोज़ उतने ही होते हैं ये टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है जीरो टू टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है जीरो टू थ्री पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है जीरोज़ आर थ्री जीरोज़ आर टू जीरोज़ आर थ्री जीरोज़ आर टू जीरोज़ आर टू जीरोज़ आर थ्री पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसके जीरोज़ ज़ीरो zero होंगे सो आंसर इज ए अगर आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में कुछ हेल्प कर रहा है आपको लगता है कि कुछ और वीडियोस आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में मदद करेंगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं कौन से टॉपिक पर चाहते हैं वैसे ही वीडियोज़ बनाकर मैं अपलोड करूँगा थैंक यू वेरी मच